नांगल चौधरी के हमारे विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी ने कुछ मांगे पहले मुझको दी थी, उनको तो सबको विभाग से मैं क्लियर करा के ले आया हूँ, कुछ आज नई मांगे भी दे दी हैं इन्होंने, तो नई मांगों के बारे में विभाग को मैं भेजूंगा और जो स्वीकृत हो जाएंगी वहीं चंडीगढ़ से उनकी घोषणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इन्होंने पहले मांगे बताई हुई हैं मुझे, उसमें से जो सबसे बड़ा काम है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का कि नांगल चौधरी विधानसभा के गांव में जलापूर्ति, इसकी सप्लाई के लिए अभी तक जो 35 MLD पानी दिया जाता है गांव में, उसको 70 LPDC 35 लीटर की बजाय 70 लीटर किया जाएगा, गांव में डबल पानी दिया जाएगा और इस पर 109 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मित्रों, तो पानी की व्यवस्था के पीछे हम पड़े हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, पशुओं के पीने का पानी हो, या फिर हमारे खेती के लिए सिंचाई का पानी हो। ये गांव में पीने के पानी की बात, जहाँ तक पशुओं के पानी की बात है, वो केवल नांगल चौधरी में नहीं बल्कि सारे हरियाणा में जितने हमारे तालाब हैं, 14,000 तालाब हैं हरियाणा में, उसमें से लगभग 4,000 तालाब ऐसे हैं जो गर्मी के दिनों में सूख जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से महेंद्रगढ़ जिला, भिवानी जिला, हिसार जिला, ये जो बॉर्डर के जिले हैं, इस बॉर्डर के जिलों में, राजस्थान के साथ साथ बॉर्डर के जिलों में ये जो 4,000 गांव का पानी सूखता है, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दे दी है कि अब आगे से वर्षा के दिनों में एक बार उस पानी को पूरे भरने का काम ये हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट करेगा, उस सब के नालियां रास्ते सब बनाए जाएंगे। अब हर गांव को पानी तालाब के अंदर ये मिलेगा, नहर से पानी उसको ला करके और वर्षा के दिनों में जरूर भरा जाएगा, और यदि पानी फिर सूखता है तो जैसे ही पानी हमारे पास उपलब्ध होता है मार्च के महीने में, मार्च से पहले तो पानी मिलता नहीं है, आजकल पानी बहुत कम हो जाता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल में दोबारा से फिर नहरों में पानी ज़्यादा आता है, फिर उस समय भी उन तालाबों को दोबारा भरने का काम ये दोबारा से फिर भी कुछ जगह किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ गांव बताए हैं इन्होंने जिसमें पार्क कम व्यायामशाला सब जगह बनाई जाएगी। गांव हैं बसीरपुर, नेरेड़ी, तलोट, मुछनोटा, रामबास, घटाशेर, बिगोपुर, मैगोथाल, मैगोत बिजना, लुजोटा, खटोली कला, बाखड़ी, कुलताजपुर, नायण और पांचनोता, इन सब गांव के अंदर पार्क कम व्यायामशाला, ताकि वहाँ के हमारे नौजवान, हमारे वहाँ के बुजुर्ग महिलाएं, वो सब उस जगह पर अपना सुबह शाम एक प्रकार से घूमने फिरने, एक प्रकार से वहाँ दौड़, बच्चे नौजवान छात्र दौड़ लगाने के लिए भी जाएंगे, खेल खेलने भी जाएंगे, ताकि खुली हवा के अंदर इस प्रकार का एक स्थान मिल सके, ताकि वहाँ हमारे नौजवानों की उनकी सेहत भी ठीक हो।